या हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं फॉर इवैल्यूएटिंग एनी गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग अ कंप्यूटर रजिस्टर विद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते थे, मैंने कैसे लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू इवैल्यूएट द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग ए कंप्यूटर रजिस्टर विद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ये मेरे पास जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो मैंने लिया है। अब इसका मैं प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं इवैल्यूएट करूंगा दिस एक्सप्रेशन को यूजिंग ए कंप्यूटर रजिस्टर विद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक हेडिंग देता हूँ सॉल्यूशन की क्विकली। अब इसके बाद ये मेरे पास गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई होने हैं, फिर c प्लस डी देन मल्टीप्लाई विद e प्लस f n प्लस g इन ब्रैकेट में। अब मैं इसे इवैल्यूएट करूंगा इस एक्सप्रेशन को यूजिंग अ कंप्यूटर रजिस्टर विद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ऑन द टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडिंग देता हूं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है कि 2 एड्रेस की तरह कि हम एक से ज़्यादा जो है ना रजिस्टर वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पास एक्सप्रेशन है उसमें 1, 2, 3 ब्रैकेट्स आई हैं, तो इट मीन्स मैं इजीली इसमें 3 रजिस्टर इसमें मैं यूज़ करूँगा जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें हम एट अ टाइम जो है ना, यानी कि एक लाइन में एट अ टाइम हम ना 2 वेरिएबल ले सकते हैं और उनके दरमियान में जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है ना उससे हम यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूँगा, फिर ये ब्रैकेट को, लास्ट में अब ये ब्रैकेट को जो है मैं सॉल्व करूँगा। अब मैं इसे कैसे करता हूँ विद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, मैं इसका कैसे प्रोग्राम लिखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि मैंने जैसे क्या बताया था कि एट अ टाइम हम 2 वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, उनके दरमियान जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसे हम यानी कि जो अप्लाई हो रहा है उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब ये a प्लस बी, तो a और b 2 वेरिएबल है और उनमें आप देखिए कि यानी कि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लगा लेता हूँ, पहले लाइन में ना मैं ऐड का जो है ना ऑपरेशन पहले लिख लेता हूँ। अब ऐड का ऑपरेशन लिख लिया, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक रजिस्टर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं पहले रजिस्टर का नाम देता हूँ R1। अब R1 में मैं क्या करूँगा, ए और बी जो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैं इधर फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरिएबल लिख लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ बी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि मेरे पास रजिस्टर 1 में अब क्या वैल्यू आई है, ए वेरिएबल ऐड हो रहा है वेरिएबल बी के साथ। तो इस लाइन में बेसिकली ए ऐड हुआ है बी के साथ और उसका जो आंसर है वो मेरे पास जो R1 है जो पहला रजिस्टर है उसमें अब मेरे पास स्टोर हो गया। अब उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट जो है ये सॉल्व कर लिया, अब मैंने दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब दूसरी ब्रैकेट में देखें कि 2 वेरिएबल आ रहे हैं सी प्लस डी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैं इधर एक और ऐड का ऑपरेशन लगा देता हूँ। अब मैंने इधर ऐड का ऑपरेशन लगा दिया, अब मैं एक और रजिस्टर ले लेता हूँ, उसका मैं लिख देता हूँ नाम, रख देता हूँ R2। अब मेरे पास वेरिएबल कौन से हैं, सी और डी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड का ऑपरेशन मैंने इधर लगा दिया, तो इधर मैं लिख लेता हूँ सी डी। तो बेसिकली इस लाइन में क्या हुआ है कि मेरे पास जो रजिस्टर 2 है उसमें मेरे पास जो आया है वो आया है मेरे पास जो वेरिएबल सी और वेरिएबल डी जो है वो दोनों ऐड हुए हैं और उसका जो आंसर है वो मेरे पास स्टोर हो गया है रजिस्टर 2 में R2 में। अब उसके बाद अब ये देखिए मैंने एक्सप्रेशन में देखिए ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, मैंने ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ब्रैकेट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगा देता हूँ, MUL जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ R1 क्यों, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट है उसका आंसर मेरे पास R1 में स्टोर है, तो R1 मल्टीप्लाई विद
R2Y because R2 में मेरे पास जो है second bracket का जो answer है वो मेरे पास पड़ा है. तो basically मैंने इस line में क्या किया कि R1 जो है वो multiply हुआ R2 के साथ, मेरे पास जो answer store हुआ है वो किस में हुआ, R1 में. अब ये मैंने दोनों ब्रैकेट जो उन्हें सॉल्व किया, उन्हें जब मल्टीप्लाई किया तो उसका जो आंसर है दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई के बाद वो मेरे पास स्टोर हो गया मेरे पास R1 में. अब मैं आता हूँ तीसरी ब्रैकेट की तरफ. तीसरी ब्रैकेट में आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो वेरिएबल देखता हूँ, तो दो वेरिएबल जो है वो दोनों भी एड हो रहे हैं, ई प्लस एफ. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ऑपरेशन लगा देता हूँ एड का. अब मैं इधर कोड जिस तरह लेता हूँ उससे मैं देता हूँ नाम R3 का, R3 का नाम दे दी. अब मैं देखता हूँ कि कौन से वेरिएबल थे मेरे पास, E और F दोनों को ऐड करना था, तो मैं इधर लिख देता हूँ वेरिएबल E, वेरिएबल F. तो बेसिकली इस लाइन में मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास जो वेरिएबल E और वेरिएबल F जो है वो दोनों ऐड हुए हैं, उनका जो आंसर मेरे पास आ गया है R3 में, यानी कि रजिस्टर जो 3 है थर्ड रजिस्टर उसमें मेरे पास आंसर आ गया. अब मैं देखता हूँ E और F जो है ये दोनों ऐड होने के बाद ये ऐड हो रहे हैं G के साथ, वेरिएबल G के साथ. तो इधर मैं फिर ऑपरेशन लगा देता हूँ ऐड का. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ R3. वाई, बिकॉज R3 में जो आंसर है वो मेरे पास है E प्लस F का, तो R3 लगाता हूँ. और ये किसके साथ ऐड हो रहा है, वेरिएबल G के साथ, तो इधर मैं G लगाता हूँ. तो बेसिकली इस लाइन में मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास जो है E प्लस F जो है वो ऐड हो रहा है, यानी कि E प्लस F वो ऐड हो गया था, उनका आंसर था R3 में, जिस थ्री में, तो मैंने इधर R3 लिख दिया, यानी कि और वो ऐड होगा किसके साथ, वेरिएबल G के साथ. तो बेसिकली इस लाइन में ये जो दोनों है E प्लस F जो मैंने ऐड किए थे ये दोनों अब ऐड हो रहे हैं, इनका जो आंसर था वो ऐड हो रहा है वेरिएबल G के साथ. तो जब जी सा ऐड हुआ तो उसका जो आंसर है वो मेरे पास स्टोर हो गया R3 में, यानी कि जो थर्ड रजिस्टर है उसमें मेरे पास हो गया. अब मैंने ये जो तीसरी ब्रैकेट है ये मैंने सॉल्व कर लिया और उसका पूरा आंसर जो है तीसरी ब्रैकेट का मेरे पास अब R3 में स्टोर है. अब मैं देखता हूँ कि दोनों ब्रैकेट को जो मैंने मल्टीप्लाई किया था तो उनका आंसर मेरे पास स्टोर था R1 में. अब ये दोनों ब्रैकेट है ये ऑल्सो मल्टीप्लाई हो रही है थर्ड ब्रैकेट के आंसर के साथ. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ इधर मल्टीप्लीकेशन का एक अगेन. अब इसमें क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R1 लिखूंगा. वाई, बिकॉज R1 में जो आंसर है मेरे पास फर्स्ट टू ब्रैकेट्स का है जब मैंने उन्हें मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आया था फर्स्ट टू ब्रैकेट का मल्टीप्लाई के बाद, तो R1 लिखता हूँ. अब मैं इधर लिखता हूँ, इधर मल्टीप्लाई होगा R3 के साथ. वाई, बिकॉज R3 के पास जो आंसर है वो है मेरे पास थर्ड ब्रैकेट का जो आंसर है वो मेरे पास R3 में. तो बेसिकली अच्छा एक और चीज़ मैं इस लाइन में करता हूँ कि आप देखें कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो था वो था x इज इक्वल टू, तो मैंने बेसिकली जो फाइनल आंसर है मैंने लास्ट में स्टोर करना है किसके साथ, किस में, वेरिएबल x में. तो मैं इधर वेरिएबल x पे लिख लेता हूँ. तो मैं ऐसा कहूँगा इस लाइन में ऐसा हो गया कि मल्टीप्लाई किया मैंने R1 को R3 के साथ, यानी कि फर्स्ट टू ब्रैकेट्स जो है उसका जो मैंने मल्टीप्लाई किया था उसका आंसर जो है वो थर्ड ब्रैकेट के आंसर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और वो जो आंसर है सारा आंसर जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास स्टोर हो जाएगा वेरिएबल एक्स में. तो बेसिकली इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन में जो R1 है वो मल्टीप्लाई हुआ R3 में, R3 के साथ, और जब मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास जो फाइनल आंसर वेरिएबल जो x है उसमें मेरे पास स्टोर हो गया. वेरिएबल x बने इसलिए क्योंकि वो एक्सप्रेशन में था x इज इक्वल टू. अगर इधर कोई और होता वेरिएबल y होता z होता तो मैं इधर लिख लेता y और z, लेकिन वेरिएबल x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक्सप्रेशन में था वेरिएबल x. तो बेसिकली इस लाइन में क्या हुआ है कि मैंने R1 और R3 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने जो आंसर स्टोर किया वो वेरिएबल x में कर दिया अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे भी कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं to evaluate any given arithmetic expression using a computer register with 3 address instruction. तो अगर आपको इस यानी कि 3 address instruction के program में अगर आपको कोई भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी आपको confusion है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं आपको try करूँगा, मैं आपको reply करूँगा as soon as possible.
अब मेरे जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है 0, 1, 2 और 3, अब मेरे ये एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है मेरे वो कंप्लीट हो चुके हैं उनके टॉपिक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू कैन सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। सो अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।